सात चरणों में आयोजित लोकसभा चुनाव के 20 मई को पांचवें चरण में हुआ मतदान एक बार फिर से 2019 की तुलना में कम रहा। इस बार शाम 7 बजे तक 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों के लिए 57.40% मतदान हुआ, जो कि 2019 में हुए 62.01% की तुलना में काफी कम रहा। वहीं बात अगर महाराष्ट्र की करें तो 13 लोकसभा सीट पर सोमवार को 54.29% मतदान हुआ। सोमवार को 13 सीटों पर हुए मतदान के दौरान मुंबई की 6 वीआईपी लोकसभा सीटों पर औसतन 52.27% मतदान हुआ है, जबकि 2019 के आम चुनावों में मुंबई में 55.38% मतदान हुआ था। जानकारी के अनुसार नासिक लोकसभा सीट पर 56.25%, तो वहीं धुले में 56.61%, भिवंडी में 56.41%, मुंबई उत्तर में 55.21% और मुंबई उत्तर पूर्व में 53.75% मतदान हुआ। वहीं अगर मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट की बात करें तो वहां 53.67% मतदान हुआ, मुंबई दक्षिण मध्य में 51.88% और मुंबई उत्तर मध्य में 51.42% मतदान हुआ है। ठाणे में 49.81% और मुंबई दक्षिण में 47.70% मतदान होता हुआ नजर आया है। वही इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ महाराष्ट्र से स्टेट हेड मंगला वागे जो हमारे साथ जुड़ गई हैं। मंगला, जिस तरीके से देखा गया कि लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 13 लोकसभा सीटों पर कल मतदान संपन्न हुआ है, क्या लगता है इस बार की स्थिति कैसी देखी गई? आकांक्षा, मैं आपको बता दूं कि कल बड़े पैमाने पर मतदार वोटिंग के लिए बाहर निकले थे, लेकिन कुछ मतदारों के नाम लिस्ट में गायब हो चुके थे, किसी के नाम नहीं थे, किसी के फोटो नहीं थे। बहुत सारे लोगों के मतदारों के नाम लिस्ट से डिलीट किए गए थे। इस वजह से मतदारों में असंतोष दिखाई दे रहा था। सब जब उमरा हो, थाना हो, विले पार्ले हो, घाटकों पर हो, भाईखला हो, इस जगह पर मतदारों में बहुत बड़े पैमाने पर असंतोष दिख रहा था। बहुत सारी जगहों से बोगस वोटिंग की भी खबरें आ रही थी। जो वोटिंग की प्रोसेस है वो डिले हो रही थी, इसलिए लोगों में संताप था, असंतोष था। फिर निर्वाचन आयोग ने 6 बजे तक जो लाइन में खड़े हैं, 6 बजे वोटिंग बूथ के दरवाजे क्लोज कर दिए, 6 बजे तक जो लाइन में खड़े हैं उनके वोटिंग ले लिए, उनको वोटिंग डालने के लिए कहा गया। लेकिन ये मतदान की प्रोसेस देर रात का 9:30-10 बजे तक चल रही थी। इसके नतीजे ये हुआ कि जो अंतिम फाइनल परसेंटेज आने में बहुत सारी देर हुई, रात को 12 बजे या 12:30 बजे के बाद फाइनल परसेंटेज आ चुकी थी। मैं आपको कह दूं कि महाराष्ट्र में 5वें चरण में फाइनल परसेंटेज 54.29% वोटिंग हुई है। सबसे कम वोटिंग कल्याण में हुई है, कल्याण में 47% वोटिंग हो चुकी है और सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो दिंडोरी में हो चुकी है। जी, वही मंगला, अगर बात करें तो 2019 के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें मतदान प्रतिशत की जो रफ्तार है वो काफी धीमी रही, तो क्या लगता है कि इस बार जनता को लुभाने में कहीं ना कहीं जो नेता थे वो पीछे रह गए, या मतदान प्रतिशत में जो आंकड़ों में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी उसके कम होने का क्या कारण आप मानती हैं? जी, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मतदान की प्रोसेस थी वो बहुत स्लो चल रही थी, सुबह से ही स्लो चल रही थी। कल सुबह का 9 बजे का जो वोटिंग परसेंटेज आया वो सिर्फ 6% का, 11 बजे तक वो परसेंटेज 10 या 11 के बीच में था। लेकिन दोपहर के बाद वोटर बहुत पैमाने पर बड़े कतार से वोटर बाहर निकले, घर से बाहर निकले वोटिंग करने के लिए। इसके बाद जो लाइन लग चुकी थी, बहुत सारे मतदार जो विले पार्ले के मतदार 4-4 घंटे लाइन में खड़े थे, 4 घंटे के बाद जाकर उनका नंबर आया तो पता चला था उनके वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। इसके वजह से बहुत जगह पर, घाटकों पर हो, विले पार्ले हो, या जू हो, या थाना हो, कल्याण हो, मुमरा हो, इस जगह पर वोटरों में एक असंतोष दिखाई दे पड़ रहा था। उनका कहना था हमारा नाम क्यों नहीं है, वोटिंग प्रोसेस में देरी हो रही थी। आखिरकार निर्वाचन आयोग से यह फैसला करना पड़ा था जो 6 बजे तक लाइन में है उनको वोटिंग, उनकी वोटिंग की जाएगी। जो वोटिंग की प्रोसेस स्लो हो रही थी उद्धव ठाकरे जी ने भी नाराजगी जताई है, देवेंद्र फडणवीस ने भी नाराजगी जताई है। बीच में 4-4:30 बजे उद्धव ठाकरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जो
वोटिंग प्रोसेस पर जो स्लो है उस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के जो वर्कर्स है, कर्मचारी है, अधिकारी है, वो बीजेपी के नौकर नहीं है, गुलाम नहीं है। जो उन्होंने कहा है कि स्लो प्रोसेस से वोटिंग किए थे, ये ऐसा उन्होंने उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया था। इसके बीच देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आना है कि उद्धव ठाकरे कहने के पहले ही हम लोगों ने निर्वाचन आयोग को कंप्लेन की थी कि वोटिंग प्रोसेस बहुत धीरे चल रही है। वहीं मंगला अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भीषण गर्मी भी इसका कारण माना जा रहा है, क्योंकि लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे थे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने उद्धव ठाकरे गुट का भी जिक्र किया कि लगातार चुनाव आयोग पर भी आरोप लग रहे हैं कि जिन लोकसभा सीटों पर बीजेपी या बीजेपी के साथ गठबंधन में कोई सरकार अगर चुनावी मैदान में है तो वहां जो मतदान की गति थी वो काफी तेज थी, और बाकी अगर लोकसभा सीटों की बात कर ले तो मतदान की गति को काफी धीमा पाया गया। तो क्या लगता है ये भीषण गर्मी कारण हो सकता है या फिर कहीं कई चुनाव आयोग की गलती नजर आती है? नहीं नहीं, यहाँ पर भीषण गर्मी होने के बावजूद भी कल्याण हो, थाना हो, भिवंडी हो, पालघर हो या जिंदोशी और नासिक हो, बहुत बड़े पैमाने पर वोटर बाहर निकले थे, घर से बाहर निकले थे, लेकिन जो इलेक्शन की प्रोसेस है वो बहुत धीमे धीमे रफ्तार से चल रही थी। यहाँ पर वोटों ने आपने पिछले चुनाव के इस पर देखा तो दिंडोशी और नासिक में हो तो वोटर बहुत बड़े पैमाने पर बाहर निकले, पालघर में भी सुबह से ज्यादा वोटर निकले हैं, लेकिन 50% के आगे वोटर की जो परसेंटेज आई हुए, लेकिन यहाँ पर जो चुनाव आयोग कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने कमी रखी थी, बहुत जगह पर पंखा की इंतजाम नहीं किए गए थे, पीने के पानी के इंतजाम नहीं किए गए थे। नासिक में तो नासिक के वनीज में एक मामला सामने आया है, दोपहर को निर्वाचन आयोग के जो कर्मचारी है, वर्कर्स है, उन्होंने वोटिंग बंद करके खाना खाने के लिए चले गए थे, इसलिए वहां पर एक दो घंटा जो रफ्तार है, जो प्रोसेस है इलेक्शन की, वो रुक चुकी थी। ऐसे भी मामले यहाँ पर सामने आए हुए हैं। अभी इस मामले को लेकर देवेंद्र फडणवीस और मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार, उन्होंने निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है, एक लेटर लिखा है, कहा कि ये जो आपने प्रोसेस की है वो बहुत स्लो है, इसका कारण क्या है? जी वही मंगला, अगर सुरक्षा की बात कर ले तो महाराष्ट्र में ये भी देखा गया कि जो हॉट सीट्स थी वहां पर कई बड़े दिग्गज नेता भी और अभिनेता भी चुनावी मैदान में कल नजर आए और वोट डालते हुए नजर आए, तो सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम कल पोलिंग बूथों पर किए गए थे? देखिए मैं आपको बता दूं कि जो जुहू बांद्रा इलाका है वहां पर बहुत सारी सेलिब्रिटी रहती है, वहां पर बांद्रा में सलमान खान ने भी वोट डाला है, और जुहू में अभिषेक बच्चन हो, ऐश्वर्या राय हो, धर्मेंद्र हो, हेमा मालिनी हो, जानवी कपूर हो, अक्षय कुमार हो, उन्होंने भी वोट डाला है। उनके जो सेलिब्रिटी वोटर वोटिंग पूल बूथ पर आ रहे थे तभी पुख्ता इंतजाम किए गए थे, क्योंकि सेलिब्रिटी को देखने के लिए भीड़ उमड़ जाती है, इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या इलेक्शन आयोग हो और पुलिस हो, उन्होंने पुख्ता इंतजाम बूथ पर रखे हुए थे, इसके वजह से जाकर कहीं कुछ भी घटना नहीं घटी है। जी वही मंगला, अगर बात करें तो वोटर्स का किस तरीके से मिजाज देखा गया, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो पार्टीज हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, वो बड़ी रैलियां कर रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए कई बड़े वादे करते हुए भी नजर आए, तो इस बार पांचवें चरण में वोटर्स का मिजाज किस तरीके से देखने को मिला? देखिए वोटर का मिजाज तो कहा जाए तो वोटरों में थोड़ा मिजाज तो बहुत उत्साहपूर्ण था। मैं कुलाबा एरिया की बात करूं, वो कुलाबा एक सफिस्टिकेटेड एरिया है, हाईली क्वालिफाइड एरिया वहां पर है, लेकिन वहां पर कुलाबा एरिया में जहां पर अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी रहते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां पर रहते हैं, वहां पर कुलाबा एरिया में सबसे कम वोटिंग हुई है। और ज्यादातर मैं बात करूं या दक्षिण मुंबई या उत्तर मुंबई की, उत्तर मुंबई में सबसे ज्यादा वोटिंग भांडुप एरिया में हुई है, जो उनके यहाँ पर एक मतदारों में नाराजगी तो दिखाई दे रही थी, क्रॉस वोटिंग भी दिखाई दे रही थी, भिवंडी में क्रॉस वोटिंग दिखाई दी, बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग कपिल पटेल के खिलाफ दिखाई दी, कपिल पटेल अभी केंद्रीय मंत्री है, उनके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर नाराजगी दिखाई दी वोटर पर, वहां भी ज्यादा मतदान हुआ है, वही बहुत जगह पर क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही है।
जी ठीक है, मंगला वागे आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस बार पांचवे चरण में जो मतदान की गति थी वो काफी धीमी पाई गई और पांचवे चरण में सबसे कम वोटिंग होती हुई सामने आई है। साथ ही आपको बता दें कि अभी मंगला वागे हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार 13 सीटों पर वोटर्स का मिजाज भी उत्साहपूर्वक था, लेकिन साथ ही मतदान केंद्रों पर जो रफ्तार थी मतदान की वो काफी धीमी पाई गई और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है चाहे बात कर ले उद्धव ठाकरे गुट की, तो उन्होंने भी निर्वाचन आयोग पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं।